आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको सारा गिल से, जो कि एक ट्रांसजेंडर तो हैं, मगर इन्होंने सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया। मुझे मेरे अल्लाह से था कि ए अल्लाह, तूने मुझे बनाया है तो फिर मैं गलत कैसे हूँ। 2010 के अंदर आई डिड इंटरनेशनल मॉडलिंग इन थाईलैंड, जिसके अंदर मैंने क्लेंडर शूट किया। WHO की कंसल्टेंट रह चुकी, मैंने जो एशिया की हार्मोनल गाइडलाइन है वो डेवलप्ड की है। यूरोपियन एम्बेसीज ने मुझे इनवाइट किया है एज एन गेस्ट फॉर देयर प्रोग्राम्स। ऐसा नहीं कि मैं बहुत इजीली यहाँ पहुँच गई, बहुत कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला जो कि कभी कभी सोच कर आपकी रूह भी कांप जाती है। मेरी सिस्टर की शादी में मैं अलाउड नहीं थी टू पार्टिसिपेट और टू इवन सी, ये एक शर्त थी। जब मैं घर से निकाली गई, रात के कोई 3-3.5 बजे के टाइम थे, मुश्किल से 13-14 साल की मैं होंगी, 300-400 रुपये जेब पे होंगे और मेरे सर पे छत नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं रोड पे खड़ी थी, ढूंढ रही है कि कोई मुझे घर पे सोने की जगह दे। लोगों ने घर पे सोने की जगह ज़रूर दी, पर किन बुनियादों, किन शर्तों, क्या क्या चीज़ों पर दी, वो बहुत दर्दनाक है, वो बहुत खौफनाक है। मैं थक गई हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, बट आई नीड माई फैमिली।